Good morning everyone. Assalamu alaikum. How are you all? Hope all of you are fine and safe at home because we should stay at home, safe at home. आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि we should stay at home, safe at home. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें घर पर रहना है और महफूज रहना है. ना सिर्फ हमने ख़ुद घर पर रहना है बल्कि हमने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अब सबको कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहना चाहिए क्योंकि बाहर जो हैं वो हालात ठीक नहीं है. हमें कहना चाहिए ना. तो आप सबको भी ऐसा होना चाहिए. कहीं आप लोग सैर वगैरह करने तो नहीं जा रहे हो? घर पर बैठ के पढ़ रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स. अच्छा जी, कम टू द टॉपिक. टूडेज आवर इंग्लिश टॉपिक इज द रिकग्निशन ऑफ आवर न्यू वर्ड आर रा. द रिकग्निशन ऑफ आवर न्यू वर्ड आर रा. अगर हमसे कोई पूछता है दैट विच लेटर इज दिस, तो हम क्या कहते हैं? आर. ये हमारा अल्फ़ाबेट में स्मॉल आर है. और इसको हम क्या कहते हैं? आर रा. जब पूछेगा विच लेटर इज दिस, आर रा. And Ara's friend is Ara Rainbow, Ara Rocket, Ara Rabbit. Again देखें, Ara Rainbow, Ara Rocket, Ara Rabbit. ये थ्री फ्रेंड्स मैंने जो हैं वो Ara से मेक किए हुए हैं. और इसमें Ara के ये जो थ्री फ्रेंड्स हैं ये हमारी बुक पे भी हैं, रेनबो, रैबिट, रॉकेट. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से फ्रेंड होंगे जो हमारे आर रा के होंगे. वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं और मुझे बताने हैं कि आर का और कौन कौन सा फ्रेंड है जो कि हमारा आर से स्टार्ट होता है. इसके अलावा एक और मैं आपको बड़े ही मज़े का फ्रेंड बताती हूँ जो आप सबको पता ही होगा. वो कौन फ्रेंड है? मी. इट्स मी. क्योंकि मेरा नाम क्या है? रुबाब. तो रुबाब जो है वो भी आर से स्टार्ट होता है. तो हमारे यानी कि आप कह सकते हो मम्मा टीचर का नेम भी आर रा से है. तो टीचर भी आर रा की फ्रेंड है क्योंकि आर रा रुबाब है ना. ओके जी, चलिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये हमारा कौन सा लेटर है. जब हमसे कभी भी कोई पूछेगा तो हम कहेंगे दिस इज़ आवर लेटर आर रा. और आरा की क्या फॉर्मेशन है, कैसे उसको डॉट्स पे राइट करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. आरा के हमारे थ्री फ्रेंड्स होते हैं, आरा रेनबो, आरा रॉकेट, आरा रैबिट और इसके अलावा आरा टीचर रुबाब. ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने इन अपने अल्फ़ाबेट को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है, इसको अच्छे से रीड करना है और इसके फ्रेंड्स को भी लर्न करना है. ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर राइट कैसे करना है. उसकी राइटिंग स्टार्ट करते हैं जी. अब हमने क्या करना है? इसकी राइटिंग करनी है. ओके जी, हम अपना कैमरा क्लोज करते हैं और अपनी राइटिंग जो है आपको बताते हैं कि कैसे करनी है. एज यूजुअल आपने क्या करना है, होल्ड योर पेंसिल टाइटली और स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डॉट और स्लोली स्लोली आपने अपने डॉट्स को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते हुए नीचे आना है. स्लोली स्लोली कम डाउन, फिर स्लोली स्लोली आपने अपनी डॉट्स को ज्वाइन करना है और एक स्लांट लाइन, स्लोली स्लोली कम डाउन एंड मेक अ कर्व. ठीक है जी, अगेन देख लें आप. स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डॉट, स्लोली 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 वेरी स्लोली, डोंट मिस योर डॉट. क्योंकि जैसे ही आप डॉट मिस करोगे आपकी राइटिंग थोड़ी सी पुअर हो जाएगी. स्लोली स्लोली कम डाउन, स्ट्रेट वन, स्लांट लाइन अप स्टार एंड देन अ कर्व. This is your आर रा. कैसे? स्टेट वन, स्लान एंड कर्व. अब हम इसको आपको एक बिल्कुल स्टेट, वैसे जो एक सिंपल राइटिंग है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएगी वो मैं बताती हूँ. कभी भी आपने आर रा राइट करना हो तो यू हैव टू राइट स्टेट वन एंड देन स्लांट लाइन अपसाइड and then make a cup. This is your small R raw. ये आपको पता होगा कि इसको हमने कैसे राइट करना है. ये आपकी नर्सरी में, लाइक आप जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे तो आपको तब काम आएगा कि आपको सेल्फ राइटिंग की तरफ. वैसे जो है ये हमारा इसी तरह से होगा, जो डॉट्स के ऊपर करना है. डॉट मिस योर डॉट, आप लोगों ने मिस नहीं करने. अच्छे से डॉट्स पे प्रैक्टिस करनी है, कलरिंग प्रैक्टिस करनी है और इसकी रिकॉग्निशन और इनकी ओरल रीडिंग आपने साथ साथ करनी है. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.